करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर फ्रॉम दी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसका नाम है कैपेसिटेंस। तो चैप्टर आपके सामने होने वाला है कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा, चैप्टर जो है इसका मीनिंग क्या है ये समझो। देखो, कैपेसिटेंस एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप समझ लो कि एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। अब वेल, अगर प्रॉपर बोला जाए तो चार्ज को जो स्टोर करता है वो होता है आपका कैपेसिटर, ठीक है। होता है क्या? कैपेसिटर। अब क्या होता है कैपेसिटर, कैसे ये चार्ज स्टोर करता है, इस चैप्टर में हम डेप्थ में तो समझेंगे ही, मगर सबसे पहले आप ये समझ लो कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं अपने अंदर से, और ये ऐसा इसलिए करा पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई अगेन रिपीट, लार्ज क्वांटिटी में उनके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जाके बनते हैं चार्ज कैरियर। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब अगर हम आगे बढ़े और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, तो एक एक करके हम आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने निकल के आता है वो ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। अच्छा, ये बातें हमें बहुत बार बोली जाती है पर हमें समझ नहीं आता कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो बोला ये गया है कि सपोज करो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, आप सपोज करो कि ए बी सी डी जो है वो एक कंडक्टर है, और आपको ये बताना है कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यानी कि ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो। अच्छा, जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप इस ई नोट पे ध्यान दो, ई नोट जो है वो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल वाला, ठीक। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बाहर की ओर निकलेगी, यानी नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक। तो जब ये नेगेटिव की तरफ जाएगी तो इस कंडक्टर के ऊपर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो कहां ट्रेवल करेंगे? वो ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपके लिए प्रॉपर बनाऊं, सपोज कीजिए ये जो है ना, ये हमारा कंडक्टर था, ठीक। अब इस कंडक्टर में हमें इतना पता है कि इस तरफ जो था वो पॉजिटिव था और इस तरफ था नेगेटिव। ये कंडक्टर इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ प्लेस था। तो जो कंडक्टर के खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आई अगेन रिपीट, जो कंडक्टर के खुद के चार्ज कैरियर्स होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे, यानी कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो होगा क्या, अगर कंडक्टर के जो चार्ज कैरियर से इधर ट्रेवल करेंगे तो इस वाले एंड पे पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा क्योंकि सारे चार्ज कैरियर इधर आ गए। क्यों आ गए कंडक्टर के चार्ज कैरियर? क्योंकि उसको यहाँ पे पॉजिटिव दिखा, ओके। अब कुछ समय बाद जब इस तरफ कुछ बचेगा नहीं कंडक्टर के केस में, तो वहाँ पे बचेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एम्प्टी स्पेस जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होकर इधर आ गए। तो अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, यानी कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, बट अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये वाला, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस एक्सटर्नल का डायरेक्शन है ये वाला। अब ये क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इनकी वैल्यू जो है लगभग बराबर हो जाएगी, तो एक दूसरे को अपोज करते हैं इक्वली और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड है। तो जब ये एक दूसरे को अपोज करेंगे तो जो टोटल यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है वो जीरो बन के आ जाती है। तो यही रीजन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर जीरो क्यों होती है। आइए दूसरी बात समझते हैं, क्या बोला गया है कि द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। अगर आप बात करो स्टैटिक सिचुएशन में, अभी तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और अब यहाँ पे बोला गया कि चार्ज भी जीरो ही होता है, एक्सेस चार्ज जीरो होता है। कब? जब वो स्टैटिक सिचुएशन में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगेन मान लो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक। अब इस कंडक्टर का जो इंटीरियर पार्ट होगा, ठीक है, अगर मैं आपके लिए इंटीरियर पार्ट बनाऊं, लेट सपोज इस कंडक्टर का ये सारा जो है वो इंटीरियर पार्ट है, इस इंटीरियर पार्ट में एक्सेस चार्ज वो बोला गया है जीरो है, खास करके जब वो स्टैटिक सिचुएशन में। अगर ये कुछ मोशन वोशन नहीं कर रहा, रेस्ट पे कोई चार्ज वगैरह इसके ऊपर एक्सटर्नल नहीं अप्लाई हो रहे हैं, उस समय की मैंने बात करी है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, आपको कंसिडर करना है, अगेन एक ऐसा कंडक्टर जो है कंसिडर कर लो जिसका वॉल्यूम वी है, और उसके अंदर जो चार्ज होगा आपको वो लेके चलना है, वो जीरो होने वाला है, ये हम समझेंगे। ऑन दी क्लोज सरफेस एस बाउंड्री बाउंडिंग दिस वॉल्यूम एलिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इतना तो हमें मालूम है कि उसके अंदर फील्ड जो है वो तो जीरो है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो तो जीरो है इस सरफेस के अंदर। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से पास हो रहे हैं वो भी जीरो पास हो रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है, और इसके सरफेस पे, अगर मैं सरफेस पे बनाने की कोशिश करूं, ठीक, ये है इसका सरफेस, ओके। अब बोला ये गया है कि जो इसके सरफेस को बाउंड्री कर रहा है, ठीक,
इस सरफेस पे भी चार्ज क्या होगा? जीरो होगा, ठीक। जो भी चार्ज होगा सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है, इस सरफेस के अंदर वाले पोर्शन में। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ही सरफेस का अंदर वाला पोर्शन है और एक सरफेस का बाहर वाला पोर्शन है। इस जो एज दिख रहा है आपको, तो बोला ये गया कि जो अंदर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सब कुछ जीरो है तो आगे कहानी में बढ़ते हैं और क्या बोला गया है कि गॉस थ्योरम के हिसाब से जो वहाँ पे फ्लक्स होगा वो भी जीरो हो जाएगा। जहाँ पे चार्ज नहीं, जहाँ पे फील्ड नहीं, वहाँ पे फ्लक्स भी जीरो। अब अगर यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो गया तो आप सोच के देखो कि इसके अंदर कोई भी आपको एक्सेस चार्ज मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता स्टैटिक सिचुएशन में। लेकिन अगर ये डायनेमिक सिचुएशन में आ जाता है तो बाहर के से कुछ चार्ज जो कैरी होकर अंदर आ जाते हैं और उस सिचुएशन में एक्सेस चार्ज जो है आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट स्टैटिक सिचुएशन में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता। थर्ड पॉइंट बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। तो जो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कंडक्टर के आउटसाइड में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है उसके सरफेस के। तो अगर आप यहाँ पे आउटसाइड की बात करोगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्या परपेंडिकुलर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। फोर्थ पॉइंट ये बोला गया है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये वॉल्यूम है, ये कंडक्टर का वॉल्यूम है, तो आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो मिलेगा सेम यहाँ मिलेगा, सेम यहाँ मिलेगा, सेम यहाँ मिलेगा, सेम यहाँ, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसकी जो क्षमता है, जो इसका पोटेंशियल है, वो हर एक पॉइंट पे, वॉल्यूम के हर एक पॉइंट पे कॉन्स्टेंट एक बराबर मिलेगा, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक। पांचवा पॉइंट बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर आप सरफेस की बात करो, ये रहा, ये मेरे पास कंडक्टर, अगर मैं इसके सरफेस की बात करूँ, ये जो सेक्शन दिख रहा है ये वाला एजेस वाला, ये मान लो, सोच के देखो कि बिल्कुल कोने से बनाया मैंने, तो इस सरफेस पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, आप सरफेस के भी दो हिस्से होते हैं, हाँ, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, ठीक है। इस जो थिक लाइन दिख रही है इसका एक अंदर वाला पोर्शन है और एक बाहर वाला पोर्शन है, इतना डिटेल में जाके आपको समझना है। तो इस सरफेस के बाहर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, अंदर की बात नहीं कर रहा मैं। वहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना ई की, वो वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका क्या मतलब है? सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो इस पे जो भी चार्ज डेंसिटी होगा अगर उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, अगर छठा पॉइंट हो तो वो डिस्कस कर ले, ठीक है। छठे पॉइंट में बोला गया है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि मैं आपके लिए एक ये बनाता हूँ, ठीक है, ये है मेरे पास कंडक्टर, ठीक। अब इस कंडक्टर में होगा क्या कि चार्ज जो है फ्लो करते रहेंगे, तो कभी चार्ज फ्लो करके यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, कभी यहाँ से आगे की ओर ट्रेवल कर जाएंगे। तो होगा क्या कि हर जगह पे, हर एक सरफेस पे आपको चार्ज डेंसिटी अलग अलग मिलेगी। हो सकता है कि इस जगह पे चार्ज ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो डेंसिटी यहाँ ज़्यादा मिल जाएगी, यहाँ पे चार्ज बिल्कुल ना हो तो यहाँ पे डेंसिटी कम मिलेगी। तो जब चार्ज डेंसिटी की बात की जाए, पोटेंशियल की नहीं, चार्ज डेंसिटी की, तो कंडक्टर के ही अंदर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डेंसिटी मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज मूव करते रहते हैं। अगर ये मूव करते हैं, मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेंगे तो ये चार्ज मूव करेंगे। अब अगर ये चार्ज मूव करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे चार्ज इस हिस्से में आके इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो इस हिस्से में डेंसिटी तो ज़्यादा मिल जाएगी पर यहाँ पे डेंसिटी कम मिलेगी। हो सकता है यहाँ डेंसिटी ज़्यादा मिल जाए, यहाँ डेंसिटी कम मिले। तो डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे वैरी करता है। तो ये था हमारा डिस्कशन।